संदीप जी और चांदनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर। आज किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं कुछ बताइए। आज हम लोग बद्रीनाथ फिल्म जो है उस फिल्म का गाना शूट कर रहे हैं, और कल ये फिल्म जो है वो कंप्लीट होने वाली है। कल एक और गाना है जो हम लोग शूट करेंगे, उसके बाद ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और दिवाली से पहले ये दर्शकों को देखने को मिलेगी। जी चांदनी जी एक बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और मुझे इनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुलझी हुई हैं। चांदनी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर, पहली बार इंटरव्यू हो रहा है आपका लहरे पर, कुछ कहना चाहेंगी अपनी इस फिल्म के बारे में? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हैं, और इसमें हमारा मुसलमान का कैरेक्टर है, तो आप लोग ज़रूर देखने जाइएगा, और दीपावली के समय ये रिलीज़ हो जाएगी। अभी हम गाना देख रहे थे, संदीप जी आपको काफ़ी छेड़ रहे थे। हाँ, वो गाना भी काफ़ी मस्ती वाले गाने सॉन्ग हैं, और कल तक और होंगे फिर कम्प्लीट हो जाएंगे। संदीप जी, बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, तो किस तरह की फिल्म होगी, किस तरह की कहानी दर्शकों के बीच लेकर आ रहे हैं? देखिए, कहानी कोई अलग नहीं होती है, मतलब सिनेमा है एक, और ये एक प्रेम कहानी है, हिंदू मुस्लिम की प्रेम कहानी है। पहले भी बहुत सारी फिल्में प्रेम कहानी पे बन चुकी हैं, लेकिन चूंकि हर डायरेक्टर का और राइटर का एक कहने का तरीका होता है, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वही फिल्म के राइटर हैं, मेरे भाई हैं, और मेरी उनके साथ दूसरी फिल्म है, और हमारी जोड़ी जो है आगे भी बहुत सारा काम कर रही है, तो अच्छा लगता है मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो चांदनी को क्यों चुना कि इस फिल्म में चांदनी नहीं? देखिए, फिल्म में जो भी कैरेक्टर का सिलेक्शन है या जिस मतलब किरदार के लिए हमने किसी को भी अगर साइन किया है, तो वो निर्देशक जो हमारी फिल्म के हैं धीरू यादव, उन्होंने कहानी को देखते हुए किया है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कोई फेस चाहिए, नॉन अननोन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप सिनेमा क्या बना रही हैं। तो उन्होंने इनका गाना देखा, तो इस पर बात हुई, उन्हें अच्छा लगा तो हमने कास्ट किया, और हमें उम्मीदों से ज़्यादा मिला, उम्मीदों से बेहतर इन्होंने काम किया है, अच्छा लगा काम करके, एक अच्छा सिनेमा हमने बनाने की कोशिश की है। चन्नी, आपने बहुत सारे गाने किए हैं खेसारी जी के साथ, कल्लू जी के साथ, जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी तो क्या सोच के आपने फिल्म हार की थी? डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात कि मैं बहुत लक्की हूँ कि ऐसे डायरेक्टर सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे सीखने को मिली, इसके लिए मैंने यहाँ किया। अच्छा, आपने अभी पिछले दिनों ही पवन जी के साथ कावर गीत किया है, बताइए किस तरह का गाना रहा है? हाँ, सॉन्ग बहुत अच्छा है, हिट सॉन्ग भी है, गौरा हो हसदना कुछ ऐसा टाइटल है, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत अच्छा वीडियो हुआ है, कुछ दिन में लॉन्च भी हो जाएगा, और अभी खेसारी सर का भी सॉन्ग एक है आदि शक्ति से रिलीज होगा। कुछ बताएंगे खेसारी जी के साथ कौन सा सॉन्ग है, किस तरह का सॉन्ग है? हाँ, वो भी बोलबम का ही है, कुछ दिन में यूट्यूब पे रिलीज होगा, तो आप सभी लोग जरूर देखिए। अच्छा संजय जी, कब तक रिलीज की प्लानिंग है? हम लोग दिवाली से पहले तो हम इस फिल्म को कल कंप्लीट करें, जो गाना बाकी है उसका शूट करें, उसके बाद हमारी जो रिलीजिंग है, जो प्रमोशन है, उसकी स्ट्रेटजी डिसाइडेड है, वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट एक बार हम कंप्लीट करके यहाँ से पहुँचे तो पोस्ट और आगे की प्रमोशन की जो स्ट्रेटजी है उस पर हम लोग काम करेंगे। चांदनी जी तो है फिल्म में, और कौन-कौन से स्टार कास्ट देखने मिलेंगे फिल्म में? इसमें चांदनी जी हैं, प्रियंका पंडित उर्फ गार्गी पंडित हैं, अंजना सिंह जी हैं, रितु सिंह जी हैं, महेश आचार्य जी हैं, और अनूप अरोड़ा जी हैं, संजय पांडे भैया हैं, और बहुत सारे अन्य कलाकार हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो चारों हीरोइन पूरे फिल्म में है या कुछ स्पेशल सॉन्ग के लिए भी आए? नहीं, कुछ हीरोइनों ने स्पेशल सॉन्ग्स भी किया है, और चांदनी जी और गार्गी पंडित जी थ्रू आउट द फिल्म है। संजय जी, और कौन कौन सी फिल्में हैं आपकी जो दर्शक देखेंगे इस फिल्म के बाद? और जी, इस फिल्म के बाद हम लोग दो और फिल्में जो हैं वो करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होगी, बट अभी चूँकि अभी टाइटल अप्रूव नहीं हुआ है, तो उसका मैं अभी आपको मतलब बता नहीं सकता, कि चूँकि हमने टाइटल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दिया है, एक बार टाइटल अप्रूव्ड हो जाएगा तो फिर हम अनाउंसमेंट करके उस पर आगे काम जारी करेंगे। कहानी हमने सेलेक्ट कर लिया है, चीज़ें डिसाइडेड हैं, हम उस पर काम जारी कर चुके हैं आगे। अच्छा संजय जी, जब बद्रीनाथ की बात आएगी, बद्रीनाथ का टाइटल जब दर्शक सुनेंगे तो उनको कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म जो आलिया भट्ट और वरुण धवन की थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, कुछ ना कुछ उससे ताल्लुक? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सन 2008 में भोजपुरी में एक फिल्म बनी थी हम बाहुबली, और फिर उसके बाद आ करके अभी 2-3 साल पहले आपने देखा होगा बाहुबली, तो ऐसा नहीं है कि हम बाहुबली मतलब और एकदम बाहुबली तो आपके जहन में वही बाहुबली और ये बाहुबली आ जाती है, वो मैटर नहीं करता है ना, तो नाम मैटर नहीं करता है, एक निर्देशक का कहने का तरीका होता है, आप कहानी को कैसे सुनाती हैं, है ना, और आप उसे कैसे दर्शाती हैं, कैसे दिखाती हैं, तो
हर इंसान का एक कहने का तरीका होता है, तो इन्होंने एक अलग कहानी है, एक अलग तरीके से इन्होंने फिल्माया है और जब पिक्चर आएगी तो आपको देखने को मिलेगा। चंद्री, और कौन कौन सी फिल्में हैं बद्रीनाथ के अलावा, कुछ बताएंगे? हाँ, अभी मैं नागिन तू सपेरा है कल्लू जी के साथ, और एक और है जिसमें आइटम सॉन्ग की हूँ, खेसारी जी के साथ की हूँ, मेरी जंग ऐसा कुछ मूवी का नाम है। बहुत शर्मा रही आपकी हीरो। एक्चुअली शर्मा नहीं रही है, इनका नेचर यही है, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं शर्मीली नहीं, मतलब अभी भी शर्मा एक्चुअली कम बोलती हैं जी, टैलेंटेड हैं, जो ये करती हैं दिल से करती हैं, अच्छा कर रही हैं, और भगवान करे और अच्छा करें। ये है, मुझे काम करके अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, और सब नहीं है मेरे पास तारीफ करने के लिए, बहुत सारा मिस्टेक हम करते हैं सीन में, तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। चंद्री, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली है, कैसे फिल्म कैसे आपने शुरुआत किया है, एल्बम्स में कैसे आए, कुछ बताएंगे अपने बारे में? हाँ, हम जौनपुर से हैं, और मैं घूमने गई थी बिहार, तो आदिशक्ति एक कंपनी है, मिश्रा जी एक हैं, तो उन्होंने ऐसे ही खेसारी जी का सॉन्ग, आदिशक्ति के जो ऑनर हैं मिश्रा जी, उन्होंने इनको फर्स्ट ब्रेक दिया था गाने के लिए, और वहाँ से इनका सफ़र स्टार्ट हुआ, एल्बम से फिल्म, और फिल्म से फिर फिल्म, उसके बाद फिर फिल्म, तो ये सफ़र इनका जारी है। इन्होंने पूरा कवर कर लिया। नहीं, जो बात है जो ये नहीं कह पा रही, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो यही सपोर्ट करते हैं, तो जो ये नहीं कह पा रही हैं, इनकी भावनाओं को मैंने कह दिया, और सच्चाई भी यही है, तो इनके अंदर गुण है, प्रतिभा है, जिसकी वजह से इनको किसी ने देख के मौका दिया, फिर मौके के बाद मौका, उसके बाद मौका, और अब ये चौका लगा रही हैं। ये बहुत अच्छा कर रही हैं। बद्रीनाथ के लिए मैं यही कहूँगा, चूँकि हमने फिल्म कल हमारी कम्प्लीट हो रही है, तो हम जल्दी से पर्दे पर लेके आना चाहेंगे, और जो भी हमारी ऑडियंस है भोजपुरी ऑडियंस, उसे एक अच्छा सिनेमा देने की कोशिश करेंगे अपने। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत डिफरेंट सिनेमा बनाया, हमने एक अच्छा सिनेमा बनाया है ना, तो हमने अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट डाला है, अब पब्लिक इसे किस तरीके से कितना प्यार दुलार देती है, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फिल्म को देखें, एक बार कम्प्लीट हो जाएगी तो हम प्रमोशन के लिए ग्राउंड पर भी जाएंगे, और जितना हमसे हो सकता है सिनेमा को लेकर के उतना करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आपको इतना प्यार करती है? अभी तक जैसे सारे एल्बम जो भी सॉन्ग हम करते हैं, इतना ढेर सारा प्यार लाइक व्यूवर्स मिलते हैं, और उसी तरह बोलबम के भी सॉन्ग आ रहे हैं, उसको भी ढेर सारा आप लोग प्यार दीजिएगा, और ये मूवी जब रिलीज होगी तो आप लोग ज़रूर देखने जाइएगा। चंद्री, आप गाना भी गाती हैं? नहीं नहीं, हम सिंगर नहीं हैं। चंद्री जी, आप गाना गाते हैं? जी, मैं गाना गाती हूँ। तो एक बाजू में इतनी खूबसूरत अदाकार है, कुछ सुनाएंगे? नहीं, ये एक्चुअली इनके बारे में मतलब अब ये गानों से इनका वो नहीं हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, बखान नहीं हो सकता है, मतलब बखान नहीं बोलेंगे, कुछ और वर्ड होगा। मतलब इनकी तारीफ गानों से नहीं है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। गाना किसी और टाइम हम इनके ऊपर गाएंगे, पर हम वो पहले लिखवाएंगे फिर गाएंगे। किसी और का लिखा हुआ हम इनके ऊपर क्यों गाएं, है ना, हो सकता है उन्होंने किसी और की भावनाओं को रखा हो, तो हम किसी और की भावनाएं इनके ऊपर क्यों ढेलें। तो हम अगर इनके लिए कभी गाना गाएं तो हम जरूर गाएंगे। थैंक यू सो मच।